नमस्कार भैया। भैया ये खीरा लगा रहे हैं, कब से खीरा लगा रहे हैं? 5-6 साल से। कौन कौन सी वैरायटी लगाते थे खीरा आप? कप्तान लगाए हैं। और माली लगाए हैं। और कौन सी? चित्रा, चित्रा। यानी 2-3 खीरा आप पहले लगाते थे। इस समय कौन सा खीरा लगा रखे हैं आप? रूपाली खीरा है। तो आप जो पहले लगाते थे मालनी, चित्रा या जो भी लगाते थे, उससे और इसमें क्या अंतर है? आप इसको क्यों लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसको? जो आप लगा रहे थे उसको बंद कर दिया, इसको लगा रहे हैं? इसको हम ट्राई करके देखे कैसा माल है जो। अच्छा, तो कैसा माल निकला है? माल अच्छा निकला है जो है। पैदावार कैसी है इसकी? पैदावार भी बढ़िया है। पैदावार बढ़िया है। कलर भी सही है। कलर मतलब हरा है जी। और कोई रोग बीमारी? रोग तो हम धोए नहीं हैं, मानते 3-4 दवा डाले हैं। अच्छा, 3-4 दाएँ दवा डाले हो, बाकी आप अभी धुलाई नहीं किया है। ठीक है, ये मक्का के अंदर लगाया हो ना भैया? हाँ, मक्का के अंदर है, लौकी भी है। अच्छा, ये इसमें किसान भाइयों नमस्कार, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? अनूप भैया, जो कि ये बरगदी और खसरा जो एक गांव होता है, इसी दोनों गांव के मतलब मिलता मिलता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। और इन्होंने ये मक्का की फसल लगा रखी है, मक्के के अंदर इन्होंने खीरा लगाया हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और खीरे के साथ साथ ये लौकी भी लगा रखे हैं। अब इनका खीरा ख़त्म होने वाला और लौकी का जाल बना रहे हैं, इसी पर चढ़ाएंगे। तो हम इनसे आइए जानते हैं कि ये जो खीरा लगा रहे थे उसके अलावा ये इस बार रूपाली खीरा लगाए हैं, और इसकी क्या खासियत है? भैया आपसे जो कि आप चित्रा और मालनी जैसा कि बता रहे थे, उससे ये बढ़िया है जी? बढ़िया है। पैदावार कैसी है इसकी? पैदावार अच्छी है। 15-20 कट्टा रोड निकला। अच्छा, जैसा कि इनका कहना है कि करीबन 12-13 बिस्सा इनका खेत है, और 15-20 कट्टी खीरा डेली ये तोड़ते हैं। और भैया खाने में कैसा है ये? खाने में स्वाद बढ़िया, मीठा भी पन है। अच्छा, और मंडी में ले जाते हैं तो मतलब वहाँ क्या रेट है, और कैसे और सब लोगों को बिकता है आपका, कैसे जाते जाते बिक जाते हैं? अच्छा, आप ले जात हो, ले जात जात तुरंत बिक जाते हैं। और खीरे के साइज बढ़िया है भैया? जी देख लीजिए, साइज बढ़िया है। साइज बढ़िया है। और पैदावार कैसी रही भैया खीरे की? पैदावार अच्छी है। अच्छा, एक बार फिर से बता दीजिए आप कि कौन सा खीरा लगा रखे हैं भैया? रूपाली खीरा है। और इसके बाद में ये कितने दिन में आप भैया पैदावार शुरू हो गई थी बोने के? माँ के एक महीने में चालू है। अच्छा, एक महीने में मतलब 35-40 दिन में। भाइयों आपको हम बताना चाहते हैं, यदि आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो जैसा कि हमें किसान भाई से जानकारी मिली है, ये सनराइजिंग सीड्स फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये खीरा है, और इन्होंने इसकी बुआई की थी। बुआई के 35-40 दिन में इसके फलन शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सुन रहे हैं। और साइज़ अच्छा है, मार्केट में इसको ले जाते मंडी में, वहाँ तुरंत बिक्री हो जाती है, जैसा कि किसान भाई ने हमारा बताया हुआ है। और साइज़ अच्छा है, कलर अच्छा है, खाने में भी अच्छा है। तो भैया आप सब लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कौन सा खीरा लगाएं आपके अनुसार? रूपाली चित्रा लगाएं, या फिर वो रूपाली चित्रा लगाएं, या केवल रूपाली लगाएं, या मालनी लगाएं, कौन सा खीरा लगाएं? रूपाली वाला सबसे बढ़िया होता है ना जी। तो कौन सा खीरा सब लोगों को आप बताना चाहेंगे लोग लगाएं? अरे हम तो रूपाली ही अब लगाएंगे। अच्छा, आप रूपाली लगाएंगे। किसान भाइयों इन्होंने जो 2-3 बार आप पहले लगा चुके हैं खीरा, खीरे की खेती ये कर रहे हैं 4-5 सालों से करीबन, तो इनका कहना है कि ये आगे से रूपाली खीरा ही लगाएंगे। इसमें भैया क्या खास बात है कि सबसे जल्दी फलन तो होने लगी, या पैदावार, क्या कुछ खास बात है इसमें? खास बात ये है, पेड़ जल्दी जो तैयार होता है, रोग नहीं लगता है। अच्छा, और जो है माल भी बढ़िया देता है, वो मीठापन है जो है, बिक्री में सही है। अच्छा, साइज भी बढ़िया है, बढ़िया कलर भी है। अच्छा, और पैदावार जल्दी शुरू हो जाती है, 35-40 दिन में शुरू हो जाती है ना, फूल फल आ जाते हैं। किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो आप जो है सनराइजिंग सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो कि रूपाली के नाम से खीरा आता है, आप इसका
प्रयोग करके आप एक बार ज़रूर, अगर खीरे की खेती कर रहे हैं तो आप सनराइजिंग सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो खीरा आता है इसको आप लगाएं। इसकी पैदावार 35 से 40 दिन में इसमें फूल फल आ जाते हैं, और अन्य कंपनियों की अपेक्षा जो मार्केट में चल रहे हैं अन्य कंपनियों की अपेक्षा पैदावार भी अच्छा है। जैसा कि हमारे किसान भाई बता रहे हैं, कलर भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है, मार्केट में रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। इनको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता है, ले गए और वहाँ रखे और तुरंत बिक जाते हैं, रेट भी अच्छे मिल जा रहे हैं। तो आप अगर खीरे की खेती करते हैं तो किसान भाइयों आप सनराइजिंग सीड्स फार्म का रूपाली खीरा लगाएं। किसान भाइयों ये जानकारी खीरे की अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।